मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक। चैनल में शख्स ने जिसे समझा सोना वो निकला उससे भी बड़ा बेशकीमती खजाना। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। कहां से आ रही है इसके ऊपर नजर डालेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आई हुई एक ऐसी खबर के बारे में जिसके बारे में जान के हर कोई काफी ज्यादा हैरान हो गया। बताया जा रहा है कि 19वीं सदी में काफी ज्यादा एक पार्क बहुत ही ज्यादा फेमस थे ऑस्ट्रेलिया में, और डेविड नाम का एक व्यक्ति जो है वो एक्चुअली में 6 साल पहले उस पार्क में गया था, और 19वीं सदी की कहानी है, उसको पता थी कि इस पार्क में जो है काफी ज्यादा सोने की चीजें पहले मिल चुकी है। पर उसकी नजर एक ऐसे पत्थर के ऊपर पड़ी जो कि एक्चुअली में येलो कलर का था, और उस दौरान ही उसने वो पत्थर जो है वो अपने पास रख लिया। इसी बीच में काफी समय बीत गया और उसने उस पत्थर को तोड़ने की भी कोशिश की, पर वो पत्थर टूटा नहीं। उसको लगा कि ये पत्थर जो है वो एक्चुअली में पत्थर नहीं, एक बहुत ही बड़ा बेशकीमती चीज है, ये सोना है जो कि इसको काफी ज्यादा पैसा दे सकता है। पर उसको इसके ऊपर यकीन नहीं था क्योंकि वो लगातार इसके ऊपर हथौड़े मार रहा था पर वो टूट नहीं रहा था। इसकी और भी जानकारी पाने के लिए उसने एक दिन सोचा कि मैं म्यूजियम जाऊं और वहां पर इसके बारे में जानकारी पाऊं। ये पत्थर म्यूजियम लेके गया और वहां के जो साइंटिस्ट है जैसे ही उन्होंने इस पत्थर को देखा तब वो काफी ज्यादा हैरान रह गए। उनका कहना ये है कि ये पत्थर जो है सोना नहीं पर सोने से भी काफी ज्यादा बेशकीमती है, मार्केट में इसकी कीमत काफी ज्यादा है। और उसी दौरान ही उन्होंने ये भी बताया कि ये पत्थर जो है काफी सालों पहले यहाँ पर गिरा था, ये उल्का पिंड का एक छोटा सा टुकड़ा है। इस उल्का पिंड के पहले 2 टुकड़े जो है वो ऑलरेडी खोज चुके हैं पर ये टुकड़ा जो है उनको मिल नहीं पा रहा था। और उसके बाद डेविड को जब इसकी बेशकीमती खजाने के बारे में पता चला तब वो खुशी से फूला नहीं समा रहा है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।